हमारे रोज़मर्रा के खान पान में अहम भूमिका अदा करने वाले दूध से जुड़ी एक अनोखी जानकारी सामने आई है। आप तो जानते ही होंगे कि अभी तक गाय भैंस या अन्य पशुओं के दूध का ही लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन समय के साथ साथ दूध के अन्य गैरी विकल्प भी बाजार में आते गए, जैसे सोया दूध, बादाम का दूध, ओट्स का दूध, काजू का दूध आदि। और अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने जा रहा है। ये नाम किसी अनाज या ड्राई फ्रूट का नहीं बल्कि एक सब्जी का है। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं आलू की। अब बाजार में बहुत जल्द आलू से बना दूध आने वाला है। गाइस वो कहते हैं ना, पैसों में बहुत ताकत होती है, और जिसके पास पैसा होता है वो दुनिया का ताकतवर शख्स होता है। ऐसे ही एक अमीर शख्स है अमेज़ॉन के जेफ बेजोस, जिनके लिए नीदरलैंड के रोटरडम शहर में बनी ऐतिहासिक पुल कॉलिंग सेवन ब्रिज को तोड़ा जा रहा है। दरअसल 1878 में बने इस पुल को इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि पड़ोसी शहर में उनके 40 मीटर ऊंची जेफ का एक सुपर बोट बनी हुई है और उसे समुद्र में ले जाने के लिए यही एक रास्ता है। हालांकि उनको वापस जेफ के दिए हुए पैसों से बना दिया जाएगा। पैसा हो तो क्या संभव नहीं है दोस्तों। अगर आपसे कहा जाए कि बिहार के एक लड़के ने गूगल जैसी बड़ी कंपनी को हिला दिया तो आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये सच है कि इस लड़के को गूगल की गलती मिल गई है। अगर किसी हैकर को इसके बारे में पता चल जाता तो वह गूगल को बड़ा नुकसान कर सकता था। बिहार के बेगूसराय जिला के रहने वाले और IIT मणिपुर से BTech कर रहे 19 वर्षीय ऋतुराज चौधरी को गूगल सर्च इंजन पर एक ऐसा व्यूजी मिला जिसकी वजह से गूगल सर्च इंजन 51 सेकंड के लिए ठप हो गया, जिसके बाद अचानक सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक तरह तरह की खबरें चलने लगी। ऋतुराज ने न सिर्फ गूगल को हैक किया बल्कि ईमेल के जरिए गूगल को इसकी जानकारी भी दी, जिसके बाद कंपनी ने यह भी माना कि उनकी साइट हैक हो सकती है, जिसके बाद गूगल ने ऋतुराज की काबिलियत को देखते हुए उन्हें अपनी गूगल रिसर्च टीम में शामिल कर लिया। अगर यह देखा जाए तो बिहार के लिए गौरव की बात है। दोस्तों बिहार के बारे में यह फैक्ट वीडियो आप सभी को कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइए।